वेलकम टू आई डब्ल्यू मैन ब्लून व्लॉग, वेलकम टू अ स्पेशल डे, वेलकम टू अ वेरी ब्यूटीफुल व्लॉग। ठीक है, सो सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग से पहले आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, अगर तक अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इसके अलावा लाइक, कमेंट, शेयर एंड एवरीथिंग मस्ट बी। ठीक है, आज की वीडियो में, आज के व्लॉग में हम करने वाले हैं शुगर मेला फुल ऑफ फन, तो आपने लाभ भी फुल वॉच करनी है, डोंट स्किप। इसके अलावा जो है चलें चलते हैं, लेट्स गो एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो हम आ चुके हैं अपने कमरे में और यहाँ ईजल जो है सो रही है मज़े से। सो गाइस, इसीलिए आज मैंने अपने रूम में आपसे वेलकम नहीं किया बट कर दिया ना, तो यहाँ पर जो है लाइट हमारी देखें कौन सी चल रही है। सो यहाँ पर ईजल के लिए हमने कुछ स्पाइस कट करके रखी हुई हैं, जब तक ईजल सो रही है ये स्पाइस को मैं अच्छी तरीके से बना लेती हूँ। ठीक है, तो ये फ्राइज हमने वॉश कर लिए हैं और ना इसमें मैं जो है इसको बहुत नरम जो है सॉफ्ट फ्राई करूँगी, बिकॉज इसके अंदर ना मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है ना कुछ, क्योंकि ये ईजल के लिए मैं बना रही हूँ और ये बहुत मैं सॉफ्ट बनाऊँगी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं सॉल्ट ऐड करने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम सॉल्ट ऐड करेंगे, जस्ट ऐड करना है सॉल्ट। तो ये जो फ्राइज होते हैं बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं, और खासतौर पर माशाल्लाह से ये तो जो है मैं उनको बॉयल आलू दे रही थी लेकिन जो है ना वो खाती नहीं थी, उसका दिल भर गया था, तो अब जो है वो ये खा रही हैं और ये माशाल्लाह बहुत शौक से वो खा लेती हैं। एज़ यू नो कि बच्चे जो होते हैं ये फ्राइज वगैरह बहुत शौक से खाते हैं, बल्कि बच्चे क्या बड़े भी फ्राइज बहुत शौक से खाते हैं और होती भी अच्छी हैं, तो लेकिन ईजल के लिए मैं कॉर्नफ्लोर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करती, इसके अंदर जस्ट मैं सॉल्ट ऐड करती हूँ, फ्राई कर लेती हूँ इसको सॉफ्ट, तो ये बहुत मज़े बनती है और माशाल्लाह तो बहुत शौक से जो खा लेती है। बस ये लाइट गोल्डन हो रही है एंड थोड़ा सा कलर इसका और चेंज होगा जब कॉर्न इसको निकाल लेंगे। जी, तो ये हम आ गए कमरे में और यहाँ पर ईजल के लिए ये मैंने शकरकंदी भी लेके रखी हुई है, क्योंकि ये शकरकंदी भी माशाल्लाह बहुत शौक से खाती है। मैं इनको घर में ही चीज़ें बना के देती हूँ ईजल को, जैसे चिप्स वगैरह होती है या फिर शकरकंदी होती है, ये सब मैं इनके लिए घर पर लेके रख लेती हूँ और घर में बना के देती हूँ सफाई सुथराई से, क्योंकि आपको पता है बच्चे वैसे ही बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो बाहर की चीज़ें तो वैसे बड़ों को भी नहीं खानी चाहिए और छोटे जब खाते हैं तो फिर बेचारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, उल्टी मोशन ये सब चीज़ें उनको लगती रहती हैं, तो इसीलिए मैं फ्राइज होती है, शकरकंदी होती है, एवरीथिंग जो बच्चों के खाने की चीज़ें होती हैं वो उनको घर में बना के मैं पसंद करती हूँ कि घर में ही मदर्स जो हैं वो बना के दें। तो ये शकरकंदी मैंने ईजल के लिए परचेज की थी, अब वो मैं चिप्स खिला दूँगी, दैन उनको भूख लगेगी तो शकरकंदी उनके लिए बनाऊँगी। इसके अलावा सीरीलैक्स एंड ये दलिया, ये बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ये चीज़ें ये सब ईजल के लिए मैंने रखी हैं उनके ट्रैवलिंग टाइम पर मेडिसिन वगैरह सब। तो यहाँ पर मैं हम लेके जाते हैं, मैं ये लेने आई थी और मुझे लेके जानी है किचन में, तो किचन में चलते हैं। जब तक ईजल सो रही है तब तक मैं सुकून से काम कर सकती हूँ एंड देन फिर जब ये उठेंगे तो मुझे काम करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। सो लेट्स गो। वैसे भी ये शकरकंदी वगैरह जो होती है सर्दियों में ही चलती है, आपको पता है क्योंकि सर्दियों का ही ये आइटम है और ये बहुत मज़े की लगती है अगर इसको बना के खाई जाए और ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी है। ये सारी चीज़ें जो है ना बच्चों को भी खिलानी चाहिए, बड़ों भी खाएं तो अच्छी सेहत रहती है उनकी अच्छी। तो मैं सारी चीज़ें जो निकाल के रखी हूँ शॉपर से, क्योंकि मैं लेके आ गई थी एंड देन मुझे थकन इतनी हुई थी मैंने निकाली नहीं थी, तो यहाँ पे मैंने अब निकाल दिया और मैं फ्रिज में रख लिया इसको। तो
फटाफट हम निकाल लेते हैं। इसल के लिए ये जो फ्राइज हैं ये भी बहुत ज़्यादा है, इसके लिए हम हल्का सा इसमें नमक ऐड कर देते हैं। मिक्स वेल एंड इट्स रेडी टू ईट। तब तक मैं इसको यहाँ पे पैक कर देती हूँ ताकि ये गर्म ही गर्म रहे और खाने में मज़ा आए। मैं उनको हमेशा फ्रेश जो होती है ना न्यू गर्म गर्म खिलाती हूँ ताकि उनको खाने में मज़ा आए और सर्दी है तो चलें। इसल से हाय हाय बोला, अस्सलाम वालेकुम बोलो। ईजल सो के उठ गई है अपने ट्राइज के साथ और ये यहाँ पे बनी है ईजल की फ्राइज। अभी भी यहाँ पे ईजल की फ्राइज गरम हैं और ईजल अपनी फ्राइज की तरफ बढ़ते हुए, ईजल 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 आपने फ्राइज खानी है? ईजल बोल दो मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ईजल को माशाल्लाह बैठना तो आ गया है लेकिन अभी भी ना थोड़ा सा ये लचक है, सही से बैठना नहीं आया ना, छोटी सी है ना, मैं चिप्स की तरफ झुके जा रही हूँ। चलो अच्छा आओ आओ मैं आपको खिला दूँ। अच्छा अच्छा मैं खिला दूँ आपको, चाहिए तो बैठो, आप गिर रहे हो, सही से बैठ के दिखाओ जल्दी से। ऐसे ये ये ईजल की फ्राइज ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट ये, और ये लड़की गिरने वाली है, ऐसा लग रहा है गिरने वाली है। सो गाइस मैं अपनी जो है ईजल को अब खिलाने लगी हूँ फ्राइज और ये फ्राइज खा लें तो फिर इंशाल्लाह फिर मैं आपको आगे का व्लॉग दिखाती हूँ। और अभी मैं आपको यहाँ अपना फेस नहीं दिखा रही क्योंकि मैंने मास्क वेयर नहीं किया हुआ, तो इसलिए बस आप मेरी बातें सुने। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर ईजल के नाखून इतने बड़े हो रहे हैं और यहाँ पे ये नाखून ही मारती रहती है काटती रहती है, तो मैंने सोचा ये सोएगी ना इसकी पहली फुर्सत में मुझे नाखून काटने हैं। और ये नाखून मुझे बच्चों के एक तो नाखून काटने में इतना डर लगता है, पता ही क्यों, क्योंकि ये इनकी नाजुक सी बहुत खाल होती है ना, तो मुझे डर लगता है कहीं अल्लाह ना करे उंगली उंगली भी कटना जाए, इसलिए मैं बहुत देखें इस तरीके से सॉफ्ट तरीके से काटती हूँ। पता नहीं बच्चों के नाखून इतनी जल्दी क्यों बढ़ जाते हैं, ये देखें और ये नाखून इतने मार रही है नाक पे मुंह पे आंखों पे, तो मैंने यही सोचा था ये सोएगी, सबसे पहले मैं इसके नेल्स ही ना कट करूँगी, सबसे पहले मैंने यही सोचा था, तो मैं कट्स करने लगी हूँ। बच्चों की भी बहुत केयर करनी पड़ती है, नेल्स वगैरह इनकी इनकी हर चीज़ देखनी पड़ती है, मतलब जब बच्चे हों इंसान अपने आप की ज़ात को ही भूल जाता है, बस बच्चे बच्चे सोते जागते बच्चे बच्चे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जो बहुत कम लोगों को मिलती है, और जिनको नहीं मिलती बेचारे वो तरसते हैं। बस मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी औलाद हैं सबको साहिब औलाद करे, नेक औलाद से नवाजे, आमीन। सो फाइनली यहाँ पे हमारे सारे काम हो चुके हैं और जैसे मैंने आपको दिखाया अब यहाँ पर जो है मेरे जो हॉबी हैं वो भी अपने जॉब से आ गए हैं। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ वाज योर डे, दिन कैसा था आपका आज? रोज की तरह। मतलब रोज की तरह तो होता ही ये दिन, मतलब कुछ स्पेशल समथिंग, कुछ बिजीनेस होता है, कुछ रिलैक्स होता है, तो कैसा था? बिजी था, रिलैक्स था, आराम था, इतना काम नहीं था ऑफिस, आप मतलब कैसा था ये पूछना चाहती हूँ। बहुत सुकून वाला, बहुत आराम वाला। अच्छा सो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी अच्छा जी यहाँ पर जो है मुझे आप लोगों से बहुत 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 सारी बातें करनी है, पता है क्यों? नबी का रोल भिजवाया था ना मैंने। हाँ ये रोल्स आपने भिजवाए थे, ये अभी हम खाते हैं, ये बहुत मजे के रोल गरम गरम अभी हम इसको खाते हैं। अच्छा ये कटोरी जो है ना ये बहुत ब्यूटीफुल है, अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, ये मेरी ईजल इसमें सीरेलैक खाती है, उसकी तरह बहुत छोटी सी है, इस पे जो स्पून पे देखें क्या लिखा हुआ है, करीब से मैं आपको दिखाती हूँ। अल्लाह शाफी अल्लाह काफी लिखा हुआ है ये देखें, ठीक है। और ये कटोरी भी माशाल्लाह बहुत प्यारी है, ये सेवन शरीफ से लेके आए थे इनके दोस्त ईजल के लिए, इस पे लिखा हुआ है सूरह यासीन, ये देखें माशाल्लाह से। सो ये जो है मैंने आपको दिखाया। अच्छा जी जनाब, तो मुझे ये कहना था कि मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है, साइड सी बातें, इतने टाइम बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और इंशाल्लाह अब मेरे व्लॉग्स जल्द आपके मतलब अपलोड होते रहेंगे मेरे चैनल पे। So don't forget to subscribe and don't forget to press the bell icon. Ezel, खेलो, इसे खेलो, खेलो, खेलो। सिर्फ खेलने के बाद खेलना है ना?
चलो चेक द स्माइल। माशाल्लाह अपनी गोल गोल से मम्मा को क्या हुआ क्या भाई सन्नाटा हो रहा है ठंड हो रही है रात का टाइम हो रहा है सच सी बात है कुछ नजर भी नहीं आ रहा उसके ठीक है ना। अब यहाँ पर मुझे आप लोगों को क्या दिखाना था अच्छा कल हम करने जा रहे हैं कुछ स्पेशल ठीक है जा रहे हैं ना करने हाँ तो आपको भी नहीं बताएंगे कल दिखाएंगे और इंशाल्लाह आपको हमारा कल का व्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। सो यहाँ पे अब हम करने लगे हैं अपने व्लॉग का दी एंड। आपको आज मैंने अपनी लिटिल सी रूटीन दिखाई होप सो आपको मेरा व्लॉग बहुत अमेजिंग लगा होगा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर अपने व्लॉग का दी एंड करने लगी हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द मुलाकात होगी। तो मेरा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें मुझे दुआ में याद रखें अपनी फैमिली को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ तो बोले अल्लाह हाफिज़।